नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ कुछ ऐसे यूटिलिटी आइटम शेयर करूंगी जिसे मैंने हाल ही में अमेज़न से खरीदा है और ये सारे यूटिलिटी आइटम्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। दाग अच्छे हैं, ये लाइन सिर्फ सर्फ एक्सेल के एड में ही अच्छा लगता है। वास्तविकता ये है कि दाग कभी भी अच्छे नहीं होते, चाहे वो दामन पे लगे हो या फिर कपड़ों पे। एक बार ये दाग लग जाए फिर ये छुड़ाए नहीं छूटते। आप महंगे से महंगे डिटर्जेंट क्यों ना यूज कर ले, ये दाग नहीं निकलते। हाल ही में मैंने अपने हस्बैंड के लिए वाइट शर्ट खरीदा था और उन्होंने मुश्किल से 2 या 3 बार पहना था और उस पे ऑफिस में, चूंकि इन लोगों का ध्यान खाने पे कम और काम पे ज़्यादा होता है, ये देखिए इस शर्ट में यहाँ पे, ये देखिए ये हल्दी का दाग लग गया है यहाँ पे, और ये मैंने इतना ज्यादा इसको रगड़ा कि ये हल्का तो हो गया है जरूर, लेकिन पूरी तरह से ये गया नहीं है। तो इस पे मैंने बहुत सारे स्टेन रिमूवर डिटर्जेंट्स और जो लिक्विड्स आते हैं वो सारे यूज करके देख लिए, लेकिन ये दाग पूरी तरह से निकला नहीं। और चूंकि ये शर्ट वाइट है तो बहुत प्रोमिनेंटली नजर आता है, तो ये शर्ट तो हो गया बर्बाद। तो इसी तरह के नुकसान से बचने के लिए मैंने लिया है ये पीवीसी वाटरप्रूफ क्लोथिंग प्रोटेक्टर। ये मील टाइम स्पिल से कपड़ों को बचाता है। इसमें इस तरह का वेलक्रो लगा है जिससे इसे पहनना और उतारना बेहद आसान होता है, और ये एडजस्टेबल है तो आप इसे अपने गर्दन के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें नीचे की तरफ इस तरह का पॉकेट दिया हुआ है जिसमें आप चम्मच, फोक, पेपर नैपकिन इत्यादि रख सकते हैं। और चूंकि ये वाटरप्रूफ है, किसी भी तरह के तरल पदार्थ आपके कपड़ों को खराब नहीं करेंगे, या फिर चटनी, सॉस या सब्जी वगैरह गिर जाने से इसे सिर्फ पोंछ देने से ये साफ हो जाता है, और इसे धोना भी बेहद आसान है और ये तुरंत सूख भी जाता है। ये काफ़ी लंबा है तो आपके बॉटम वेयर को भी प्रोटेक्ट करता है और ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं खिसकता है। इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन के साथ भी दे सकती हैं ताकि उनके स्कूल यूनिफॉर्म गंदे ना हो, ऑफिस या फिर घर में भी यूज़ कर सकती हैं एज एन एप्रन। इस पॉकेट में मोबाइल फ़ोन या फिर कोई और सामान रख सकती हैं किचन में काम करने के दौरान, और ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। इसे इस तरह से नीटली फोल्ड कर दीजिए और ये ऑफिस बैग या स्कूल बैग में फिट हो जाता है। मेरे बाथरूम में शार एरिया में इस तरह का छोटा सा शेल्फ है साबुन रखने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये कितना गंदा हो गया है और इसे मुझे रेगुलरली साफ करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये लीफ शेप सोप होल्डर और इसके साथ इस तरह के 2 अटैचमेंट्स भी आते हैं। तो चलिए इसे लगाकर दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे की गई घंटी को बजाना ना भूले। इस बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लगाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से दोनों अटैचमेंट्स लगाकर मैं इसे इस शेल्फ पर थोड़ा सा दबा कर रखूँगी और ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा सक्शन कैप की वजह से। इसके ऊपर साबुन रख दिया है मैंने और ये छोटा सा कंटेनर मैंने रखा है यहाँ ताकि साबुन का पानी इसी कंटेनर में गिरे, और ये देखिए ये जो
सक्शन है इसका इतना स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है कि ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता और मेरा शेल्फ अब बिल्कुल सूखा हुआ और साफ रहेगा। इसे आप वॉश बेसिन पर भी लगा सकती हैं। ये किसी भी स्मूथ सरफेस पे बहुत ही आसानी से चिपक जाता है और हाथ धोने के बाद साबुन को आप इसमें रखेंगी तो साबुन का सारा पानी इसी वॉश बेसिन में गिरेगा। इस वजह से आपका साबुन गलेगा भी नहीं और बिल्कुल ड्राई रहेगा और बेसिन एरिया भी बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। इसे आप किचन सिंक एरिया में भी रख सकती हैं स्क्रब या स्पंज रखने के लिए। और इसका ये जो इंक्लाइंड पोजीशन है, डिजाइन है, उसकी वजह से इसमें साबुन चिपकता नहीं है। नेक्स्ट है ये एशियन पेंट्स का इजी टाइल सील। ये इस तरह के ट्यूब में आता है और इसमें रेडी टू यूज व्हाइट सीमेंट का पेस्ट है। इसे आप अपने घर के टाइल्स में अगर कोई गैप आ गया है उसे फिल करने के लिए यूज कर सकती हैं, या फिर कभी कभी जो टाइल्स का डिविजन मार्क होता है वो थोड़ा काला हो जाता है समय के साथ साथ, तो उसे अगर आप व्हाइट बनाना चाहती हैं उस लाइन को तो उस पर आप इसे लगा सकती हैं। या फिर कभी कभी बड़े फर्नीचर लाने ले जाने के दौरान घर का टाइल्स थोड़ा सा चिप ऑफ हो जाता है तो उसे भरने के लिए भी आप इसका यूज कर सकती हैं। तो चलिए आपको यूज करके दिखाती हूँ। और इसमें दो कलर्स आते हैं, ग्रे और व्हाइट। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से टाइल थोड़ा सा चिप ऑफ हो गया, या फिर अलमीरा रखने के दौरान ये टाइल्स पे स्क्रैच आ गया है। और इस तरह के छोटे छोटे जो स्क्रैचेस या फिर टाइल निकलने की वजह से वो जो ब्लैक मार्क दिखता है वो बहुत ही गंदा दिखता है एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग। झाड़ू पोछा होने के बाद भी ये फर्श साफ नहीं दिखता है, ये काले काले धब्बे फर्श को गंदा दिखाते हैं और हमेशा ये लगता है कि घर ठीक से साफ नहीं हुआ है। सबसे पहले जिस गैप को फिल करना है उसके अंदर जमी हुई गंदगी को इस तरह से स्क्रेप आउट कर लीजिए, सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए और उसके बाद इस ट्यूब को इस तरह से मसाज कर लीजिए थोड़ा सा दबा दबा कर, ताकि इसके अंदर का पेस्ट एक सार हो जाए। और उसके बाद इस नोज़ल को मैं चाकू की मदद से काट लूँगी और उस गैप के ऊपर इस तरह से लगा दूंगी और फिर स्क्रेपर की मदद से इसे लेवल कर लूंगी। और इसी तरह से मैं सभी गैप्स को इस पेस्ट से फिल कर लूंगी और फिल करने के बाद कम से कम इसे 24 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए सूखने के लिए। मैंने तो 36 घंटे के लिए इसे छोड़ा था और उसके बाद ही मैंने पोछा लगाया था। और ये देखिए, अब यहाँ पर वो काला काला स्क्रैच का दाग नहीं दिख रहा और यहाँ भी वो जो ब्लैक स्पॉट्स थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल टाइल के कलर से ये मिल चुका है, मर्ज हो गया है, तो वो गंदा सा स्पॉट नहीं दिखता है। नेक्स्ट मैंने ये रोस्टर लिया है, इसमें आप बैगन, टमाटर या कोई और भी सब्जी रोस्ट कर सकती हैं, यानी कि सेक सकती हैं, भून सकती हैं। और पहले मैं इस तरह का रोस्टर यूज करती थी। वैसे तो इसके वायर का थिकनेस नए वाले रोस्टर से ज्यादा है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि पलटते वक्त चीज़ें इसमें से नीचे गिर जाती हैं और हाथ चलने का भी डर रहता है और गैस का फ्लेम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है। जबकि इसमें इस रिम की वजह से चीज़ें गिरती नहीं हैं और हाथ चलने का भी डर नहीं रहता है। और चूंकि इसका डायमीटर 8 इंच का है, इस पे एक बार में ज़्यादा चीज़ों को भुना जा सकता है। और एक ख़ास बात जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये कि इसमें समय भी कम लगता है, चीज़ें जल्दी भुन जाती हैं क्योंकि गैस का फ्लेम बिल्कुल बाहर नहीं जाता है और वेस्ट नहीं होता है। इसे आप पापड़ सेकने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं या फिर रोटी फुलाने के काम भी आ सकता है। नेक्स्ट है ये मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि किसी भी स्क्रिप्ट को 5 times ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है। और भी इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई ज्वेलरी पीस टूट गई हो और आप उसे फिक्स करना चाहती हैं, तो उस छोटे से पार्ट को ये बहुत ही मैग्नीफाई कर दिखाएगा और आप इजीली उसे जोड़ पाएंगी। या फिर सर्किट बोर्ड को देखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और भी बहुत तरीके से इसको आप यूज कर सकती हैं। तो ये ऐसा दिखता है और इसका ये ब्रॉड हैंडल बहुत अच्छा ग्रिप देता है और इसमें LED लाइट्स लगे हुए हैं।
जिसे आप इस स्विच की मदद से ऑन ऑफ कर सकती हैं, और पीछे इसके लिए दो बैटरीज लगते हैं, और इसका मैग्नीफाइंग ग्लास का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसे आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये ट्यूब है जिसे हमने अभी पहले यूज़ किया था, तो इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है कि इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत काम आता है। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से मैग्नीफाई हो गया, और अब इसे बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, और अंधेरे में आप इस लाइट का यूज़ कर सकती हैं। तो ये एक मस्ट हैव है हर घर के लिए, और ये एक अच्छा गिफ्ट ऑप्शन भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये छोटा सा क्यूट सा फोल्डेबल ट्रैवल आयरन। तो ये ऐसा दिखता है, और ये बिल्कुल आपका जो नॉर्मल बड़ा वाला आयरन होता है उसी की तरह है। यहाँ पे अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग अलग मोड दिया हुआ है, इसे आप एडजस्ट कर सकती हैं, और यहाँ पे आप स्टीम के लिए, वेपर के लिए इस तरह से खोल के यहाँ पर पानी डाल सकती हैं। और ये मेजरिंग कप इसी आयन के साथ आया था। ये हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता, और छोटे मोटे कपड़े के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त है, और ट्रैवलिंग के दौरान भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। वैसे तो आजकल होटल्स में आयनिंग बोर्ड रहता है, लेकिन फिर भी किसी शादी ब्याह में गए हैं या किसी ऐसे होटल में जहाँ की ये नहीं है, तो इसे आप बहुत ही आसानी से कैरी कर सकती हैं। मैं तो इसे घर में भी यूज़ करना पसंद करती हूँ। यहाँ इसका लाइट दिया हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है, और छोटे मोटे कपड़ों के लिए ये बहुत ही फीजिबल है, और इसे रखना भी बहुत आसान है। इसमें यहाँ इस तरह का बटन दिया हुआ है, इसे आप अगर प्रेस करती हैं तो ये फोल्ड हो जाता है इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय।